सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। प्राशर जी आपका स्वागत है। इन दिनों ना देश में एक नई विचारधारा फैल रही है, लोग हिजाब पर लगातार बात कर रहे हैं, कुछ लोग हिजाब के समर्थन में भी बोल रहे हैं तो वहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो लेकिन क्या आपका इसके मुद्दे पर क्या कहना है? जितेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न है जो समाज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जो धार्मिक आधार पर लोग इसे लागू करना चाहते हैं, एक स्कूल में जब ड्रेस कोड होता है तो इसलिए होता है कोई गरीब या अमीर या किसी भी जाति या किसी धर्म का उसकी पहचान न हो, सारे बच्चे एक जैसे दिखाई दें, एक जैसी शिक्षा मिले, इसलिए ड्रेस कोड स्कूल में अपनाया गया है और प्रशासन ने लागू भी किया है। और धार्मिक दृष्टि से कोई हिजाब वहाँ पहन के जाता है तो निश्चित ही धार्मिक भावनाएँ तरह तरह की उत्पन्न होती हैं और ये लागू भी नहीं होना चाहिए। यदि मुस्लिम समाज और अन्य वर्ग इसे लागू करना चाहता है तो स्कूल में ही क्यों, घर में भी खुद भी पहनाए, अपनी पत्नी को पहनाए, अपनी बेटी को भी पहनाए। यदि ये हिजाब मुसलमान धर्म में यदि तय है कि उनका एक ड्रेस कोड है तो आदमी को भी पहनना चाहिए, लेकिन हिजाब केवल आतंकवादी और उनकी महिलाएं को ही पहनती हैं। आतंकवादी कश्मीर में देखा है हिजाब में कई पहन के महिला के रूप में चले आते हैं और कांड कर जाते हैं, कहीं अपने लोगों को मार के चले जाते हैं, उनका कोई धर्म तो नहीं होता लेकिन वो भी यूज करते हैं। इसलिए हिजाब का सरकारी संस्थान में ड्रेस कोड के अनुसार व्यवस्था की गई है। ये केवल इसलिए की गई है, इसमें कोई धर्म दिखाई नहीं दे, इसमें कोई समाज का वो नहीं हो, इसी में कोई जाति का नहीं हो, किसी का पंथ का नहीं हो, सारे बच्चे चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है एक तरह के दिखाई दें। यदि से समाज ड्रेस कोड को अपना धर्म मानता है तो आदमी भी पहने और अच्छा, इसे और अच्छा क्या रहेगा जब उनका घर में हिजाब पहनते हैं और बाहर भी पहने। पराशर जी आप एक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिजाब से दुरुपयोग हो रहा है? देखिए हिजाब का दुरुपयोग तो आज से नहीं, जब ही से होता आया है। आज आप देखेंगे फ्रांस है, श्रीलंका है, चीन है, यहाँ पर कई जगह इस पर प्रतिबंध हिजाब पर लग भी चुका है और लगने भी जा रहा है। यह केवल इसलिए लगने जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से इसे धार्मिक व्यवस्था न मानकर हिजाब को नहीं अपनाना चाहिए। पराशर जी बात करें तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और वहीं लोगों को फ्री बिजली पानी और महिलाओं को हजार हजार रुपये देने के लिए भी कह रहे हैं। जितेंद्र जी केजरीवाल जी क्या कह दें और कब कह दें, अभी बात कर लेंगे, पिछले एक घंटे में भूल जाएंगे, आगे की बात ये नहीं सोचेंगे मैंने एक घंटे पहले क्या किया, एक दिन पहले क्या कहा है, तुरंत उसके नेगेटिव में दूसरी बात कह देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पंजाब में जो उन्होंने कहा फ्री के लिए हज़ार रुपये हर महिला के खाते में जाएंगे, दिल्ली में तो दिल्ली की महिलाएँ उनके लिए महिलाएँ नहीं हैं, दिल्ली के बुज़ुर्ग उनके लिए बुज़ुर्ग नहीं हैं, दिल्ली की जो स्थिति है विधवा विधवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 50 लाख बुज़ुर्ग जो 60 साल पार कर चुके हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे जेंट्स हैं, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाय के लिए भी परेशान हैं। जो परमानेंट आज तक सुविधा बंद नहीं थी पेंशन की 2,500 की, उन्होंने बंद कर दी, लेकिन पंजाब में जाके प्रत्येक महिला के खाते में 1,000 देने के लिए वादा कर रहे हैं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की महिला महिला नहीं है, दिल्ली का बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग नहीं है, दिल्ली का व्यक्ति इन्हें वोट दिया सरकार बनाई उसके लिए कुछ नहीं है। ये मैं पंजाब के विशेषकर लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत ही झूठा व्यक्ति है। इसके बहकावे में ना आकर वो दिल्ली की भावना को देखें, दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया उसको देखें, उसके झूठ में ना आकर भारतीय जनता पार्टी को, जो सही पार्टी है, देश की पार्टी है, देश के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है। माननीय मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज, आज से नहीं कम से कम 2 साल होने जा रहे हैं, 10 किलो अनाज, 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल बराबर केंद्र सरकार दे रही है और केवल गरीबों के लिए दे रही है कि गरीब के जो लॉकडाउन के समय में उनका धंधा बंद हो गया, उनका काम बंद हो गया, उनका घर का गुजारा खाने पीने का पूरा साधन अनाज के द्वारा चलता रहे,
उनकी बात सुने, ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो देश के बारे में और समाज के बारे में सोचे, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, केजरीवाल जैसे के बारे में नहीं सोचे। वो केवल झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहते। लेकिन पराशर जी, आप कह रहे हैं लॉकडाउन में भाजपा ने सेवा की, वहीं पे तो देखा गया कि हजारों लोग पैदल कितने कितने किलोमीटर दूर पैदल गए, लोग परेशान हुए। देखिए, जो लॉकडाउन का पीक था, एक बहुत ही दुर्भाग्य से बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें प्रशासन की, दिल्ली सरकार की दायित्व बनता था कि जो उसके क्षेत्र में लॉकडाउन की वजह से जो लोग बेरोजगार हैं, श्रमिक हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसी भगदड़ प्रशासन की कमी के द्वारा हुई। केजरीवाल सीएम चाहता था कि मेरी दिल्ली में जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं ठप हो चुकी हैं, तो वो चाहता था मेरे जैसे लगा हुआ प्रांत है, चाहे यूपी है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, मेरे क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं यहाँ से जाएं और वहाँ भी वही कोविड की हालत हो जाए। ये सारा सरकार की, केजरीवाल की योजना थी। इस योजना में उसने सुविधा न देकर केवल यहाँ से भगाने का काम किया। लोग परेशान हुए, और यदि बॉर्डर पर जाकर उनकी व्यवस्था होती, कभी इतने लोग यूपी के हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अपने यूपी के जो भी लोग हैं उनका वहाँ पर इंतजाम करें, तो निश्चित ही जो पड़ोस में सरकारें थीं, राज थे, वहाँ के सीएम उनका आपस में बैठकर तय करते कितने लोग हैं, उनकी व्यवस्था कैसी थी वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो निश्चित ही होता। ये तो उसने जैसे मेरे घर का कोई मेम्बर है, मैं चाहूँगा मेरे घर का बाहर चला जाए, मेरे घर में व्यवस्था करूँगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था करूँगा, दवाई की व्यवस्था करूँगा, सारी व्यवस्थाएँ करूँगा कि वो किसी तरह परेशान हो। लेकिन जिस जनता ने उन्हें सीएम बनाया, उस जनता की परवाह किए बगैर, बस अड्डे पर देखा होगा और अन्य बस अड्डों पर देखा हो, बॉर्डर पर देखा हो, लोग इतने परेशान थे, रातों रात यहाँ से निकल के गए। ये केवल और केवल केजरीवाल की गलती है और किसी की गलती नहीं है। पराशर जी, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान समय बहुत नाजुक चल रहा है। लोग, कई नेता ऐसे हैं जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, केजरीवाल जी ने केवल आज तक जो सड़कें, जो अपनी दिल्ली की वो अच्छी सड़कें थीं, वो केवल इसलिए आज बेहाल हो रही हैं कि विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की जनता से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को वोट दें जो तुम्हारा क्षेत्र का विकास करे, देश की सोचे, परिवार की सोचे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मोदी जी को कमल पर मोहर लगाकर, उनकी प्रतिष्ठा सम्मान, जो देश के हित में काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और पंजाब में सरकार बनाएँ।